राहुल वैद्य को किया जा रहा है वीकेंड के वार पर इग्नोर? क्या रीएंट्री के बाद राहुल वैद्य की फुटेजेस की जा रही है एडिट? क्या है पूरी खबर, बता दे आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। भाई ये बात तो बहुत एविडेंटली नजर आ रही है कि राहुल वैद्य का उतना कैरिश्मा नहीं रह गया है रीएंट्री के बाद जितना उनका हुआ करता था। अब इसकी एक वजह ये सामने आ रही है कि राहुल की जो फुटेजेस होती है या राहुल की जो चीजें होती है घर के अंदर, वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं वो आधी एडिट हो जाती है। वहीं अगर बात करें राहुल के वीकेंड की वार पर किस तरह का उनको रिस्पॉन्स मिलता है, तो हम लोग ने 2-3 वीकेंड के वार से देखा है, जैस्मिन पर बातें हो रही है, रुबीना अभिनव पर बातें हो रही है, अर्शी विकास पर बातें हो रही है, राखी निकी के बारे में बातें हो रही है, एजाज के बारे में भी बातें हो रही है, बीच में फंस जा रहे हैं राहुल वैद्य। इनफैक्ट कल सोनाली जी ने भी हाथ उठा के बोल दिया कि मेरा नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन राहुल वैद्य कहीं ना कहीं गायब नजर आ जाता है वीकेंड के वार पर। उनसे कोई चर्चा नहीं हो रही है, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सलमान उनसे बात ही नहीं करना चाहते या फिर उनसे इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो क्या यहाँ पर रीएंट्री तो करवा दी है राहुल वैद्य की, लेकिन उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही जितनी पहले दी जाती थी? आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि फैंस को तो यही लगता है और फैंस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं कि ताकि ये मेकर्स की नजरों में आए कि राहुल वैद्य को नहीं दिया जा रहा है उतना स्क्रीन स्पेस या नहीं दी जा रही है उनकी चीजों को, उनके मुद्दों को इतनी इंपॉर्टेंस, जिस वजह से राहुल नहीं दिख रहे हैं उतना ज्यादा। आपको क्या लगता है राहुल के ना दिखने की वजह, क्या राहुल के साथ मेकर्स का बायसनेस है या फिर सच में राहुल का गेम फीका पड़ चुका है? आइए करते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में चर्चा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि कई सारी खबरें आज नॉनस्टॉप आपके साथ बनी रहेंगी, आपके पास आती रहेंगी।